आगामी विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु क्षेत्र में अपराधियों पर लगाम कसने एवं अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई हेतु पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा से लगातार दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। इसी के तहत थाना प्रभारी कुसमी को मोबाइल मुखबिर से सूचना मिली कि लाइन पारा कुसमी निवासी पार्वती पैकरा अपने घर में अवैध महुआ शराब का भंडारण कर विक्रय कर रही है। सूचना पर पार्वती पैकरा पति स्वर्गीय परदेशी पैकरा लाइन पारा कुसमी के घर पर रेड कार्रवाई की गई, जहां एक तालाबंद कमरे को आरोपियों से खुलवाने पर कमरे के अंदर प्लास्टिक के अलग अलग डिब्बों गैलन में कुल 40 लीटर कच्ची महुआ शराब बरामद हुआ, जिसे जब्त कर आरोपी महिला को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के अंतर्गत हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। अभी जैसे आप लोग को सबको पता है कि अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, नवंबर दिसंबर होना है, जिसके लिए हमको प्रॉपर तरीके से निर्देशित किया गया है कि लगातार जो है अवैध शराब या अवैध मादक पदार्थ जो भी है या फिर अपराधी जो किस्म के लोग हैं उन पर लगाम लगाने के लिए, ताकि चुनाव को शांतिपूर्वक निपटाया जा सके या संपन्न कराया जा सके। तो उसी तारतम्य में हमको हमेशा जो है हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश प्राप्त होते रहता है, और कल शाम को इसी दौरान हमको मुखबिर से सूचना मिली कि लाइन पारा कुसमी में पार्वती पैकरा नाम की एक महिला जो है अवैध शराब कच्ची महुआ शराब का भंडारण करके रखी है बेचने के लिए। तो मैं अपने स्टाफ के साथ में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके मार्गदर्शन में मैंने रेड कार्रवाई किया वहां पे, और पुलिस लाइन पारा कुसमी में पार्वती पैकरा के घर में रेड कार्रवाई किया गया, जिसमें एक घर में ताला बंद था जिसको पार्वती से खुलवाया गया। खोलने पर वहाँ पे जो है तीन डिब्बों में एक कुल लगभग 40 लीटर देसी महुआ शराब बरामद हुआ। चूंकि आरोपिया का कृत्य आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने शराब को जब्त कर महिला को हिरासत में लेकर थाना आए और आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर 34(2) की कार्यवाही करते हुए उसे गिरफ्तार कर आज रिमांड पर उसको भेजा जा रहा है। कैसी कार्रवाई जी? अभी क्या है, चुनाव के लिए कार्यवाहियाँ बहुत जरूरी रहती है, ताकि आरोपियों पे, अपराधियों पे या अपराध करने वालों पे अंकुश लगाया जा सके।